हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेणुका सुगर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे स्टॉक में कौन कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक में एक बड़ा तेजी आ सकता है। इन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेणुका सुगर शेयर के ऊपर। रेणुका सुगर के शेयर में अगर आप बात करेंगे तो इस स्टॉक में आज तकरीबन हम लोगों को 6% का एक शानदार तेजी देखने को मिला। स्टॉक मॉर्निंग सेशन में ही गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक शार्प मोमेंटम हुआ, उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली आपको साइडवेज ट्रेड किया। अगर इस स्टॉक में देखेंगे, इंट्राडे में स्टॉक ने 3.45 रुपीज गेन करके 62.95 रुपीज पे क्लोजिंग दिया है। इस स्टॉक का अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो स्टॉक का 68.75 रुपीज 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो जो है इस स्टॉक का आपको 27.95 रुपीज है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक के आगे। अगर 1 मंथ के परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे तो इस स्टॉक ने 1 मंथ में तकरीबन 13% का एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक करेंटली 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर इस स्टॉक का 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक जो है 6 मंथ में तकरीबन 54% का रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न बना के दिया, और स्टॉक जो है आपको अभी भी देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। इस स्टॉक के अगर हम लोग डेली चार्ट में बात करेंगे तो स्टॉक में जैसा कि हम लोगों ने आपको अभी देखा, स्टॉक मॉर्निंग सेशन में एक शार्प मोमेंटम स्टॉक में हुआ। स्टॉक ने ऊपर का हाई जरूर लगाया, बट उसके बाद से अगेन इस स्टॉक में हम लोगों को ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। रीजन था, स्टॉक ने एक रेसिस्टेंस लेवल को ओपनिंग में ही हिट किया, तो इसी वजह से यहां पे आपको बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। इसके साथ ही जो है यहाँ पे आपको इमीडिएट फ्रेश सेलर्स भी आए होंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक जो है आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लास्ट आपको सितंबर मंथ से ही स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज का अगर ऊपरी लेवल बात करें तो 66.50 रुपीज से 67 रुपीज, ये स्टॉक जब तक इस लेवल के ऊपर क्रॉस करके डेली कैंडल क्लोज नहीं करता है, इस स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की साइड अगर देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली 54 रुपीज के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, मल्टीपल टाइम इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। तो जब तक स्टॉक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा फॉल भी नीचे की साइड देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर। अगर बात करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर तो स्टॉक में जो है नीचे के लेवल से क्लियरली हम लोगों को एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वीकली चार्ट पे जो है इस स्टॉक में हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, जहां पे कि स्टॉक काफी अच्छा इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर 2021 से ही अगर बात करेंगे तो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे कभी नहीं ट्रेड किया है। तो ऑलमोस्ट वन ईयर एंड थ्री मंथ से स्टॉक कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है क्लियरली ऊपर की साइड हम लोग बात करेंगे तो रेसिस्टेंस ले रहा है, 67.50 रुपीज के पास रेसिस्टेंस ले रहा है, और नीचे की साइड जो है स्टॉक 63 रुपीज, इस रेंज में कंटिन्यूसली आपको रेसिस्टेंस ले रहा है। और स्टॉक जो है अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि आपको एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है, और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर इस स्टॉक में जो है एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस स्टॉक में अगर अभी तक आप लोगों ने पोजीशन नहीं बनाया है तो आपको वेट करना चाहिए इस पैटर्न के ब्रेकआउट का, या फिर ऊपरी लेवल पे आपको जब स्टॉक यहाँ पे 67 रुपीज के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तभी इस स्टॉक में जो है अपसाइड में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इस स्टॉक के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर जो है, वॉल्यूम में आपको किस टाइप से यहाँ पे
फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो क्लियरली अगर देखेंगे तो यहाँ पे बीच में एक बार के लिए शार्प वॉल्यूम आया था, वापस से रिट्रेसमेंट मूव में आपको ज्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जो यहाँ पे जो आपको सेलिंग प्रेशर है, ये आपको स्ट्रांग हैंड के द्वारा सेलिंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो स्टॉक में अगर यहाँ पे हम लोग सारा कुछ क्लियर कर देते हैं, तो जब यहाँ पे आपको अप ट्रेंड हो रहा था, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त आया, उसके बाद जो आपको डाउन ट्रेंड आया या फिर रिट्रेसमेंट मूव आया, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। वापस से यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज किया यहाँ पे एक शार्प अप मूव में, अगेन यहाँ पे वॉल्यूम कम है। इसका मतलब है जो यहाँ पे धीरे धीरे जो है आपको जितने भी स्मार्ट मनी है वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वीक हैंड यहाँ से आपको एग्जिट कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा आपको जब तक इस रेंज का आपको यहाँ पे ऊपरी लेवल पे ये लेवल जब ब्रेक नहीं होता है, जब तक इस लेवल के ऊपर आपको वीकली कैंडल क्लोज नहीं होता है, इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मंथली चार्ट के ऊपर आपको कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी आपको सेम लेवल इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अगर इस लेवल को स्टॉक क्रॉस कर देता है तो फिर 2011 के लास्ट में जो आपको अक्टूबर मंथ के बाद 2011 के अक्टूबर मंथ के बाद फर्स्ट टाइम स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो डेफिनेटली जो है आपको एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कि आपको इस लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक को जो मेजर रेसिस्टेंस मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 100 के रेंज पे, 100 और ऊपर की साइड, उसके बाद जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो 120 के लेवल पे मिलेगा। तो इस स्टॉक में जो है नीचे के लेवल से ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आपको कंटिन्यूसली हो रहा है। यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम हुआ, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन बड़ा मोमेंटम मंथली चार्ट पे हुआ, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, और क्लियरली सेम ऐसा ही पैटर्न हम लोगों को फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और मंथली चार्ट पे भी क्लियरली हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड है, इस स्टॉक को अभी हम लोग होल्ड करके डेफिनेटली रख सकते हैं, लेकिन जब फ्रेश पोजीशन बनाना है तो एक बार के लिए ऊपर का रेसिस्टेंस ब्रेक होने देंगे, तभी हम लोग इस स्टॉक में प्रेस पोजीशन बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।